लर्निंग प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आयशा और पिग्गी हरूफ़े तहजी के हरूफ और अल्फाज सीख रहे हैं। चले मिलके साथ साथ सीखते हैं। आयशा, तुमने टे और से दोनों लिखना सीख लिए, तुम खुश तो हो ना? जी हाँ, अभी तो थोड़े से हर्फ सीखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम कौन सा हर्फ सीखेंगे? आयशा, आज हम जिस हर्फ को लिखना और पढ़ना सीखेंगे वो है जीम। ये देखो, ये जीम है। ये जीम है? मुझे तो ये पानी का जग लग रहा है। हाँ, जग लग रहा है लेकिन जग है नहीं, ये जीम है और ये जीम की आधी शक्ल है। इसकी आवाज जा है, जा, जा, जा। चलो आयशा, अब इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़ो। जामन और जहाज। आयशा, क्या तुम्हें पता है इन अल्फाज में जीम कहाँ है? अभी बताती हूँ। जामन में जीम यहाँ है और जहाज में जीम यहाँ है। क्या मैंने ठीक कहा? आयशा, चलो जीम की आधी शक्ल को लिखना सीखते हैं कि किस तरह लिखी जाती है। तो दोस्तों, जीम की आधी शक्ल लिखना थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। चलो वीडियो को पॉज करते हैं और फिर से लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आयशा, चलो अब इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़ो, जैसे कि सूरज और अनाज। आयशा, मुझे पता है, तुम बता सकती हो कि इन अल्फाज में जीम कहाँ है? जी हाँ, मुझे पता है और मैं बता सकती हूँ कि इन अल्फाज में जीम कहाँ है। जैसे कि सूरज में जीम आखिर में है और अनाज में भी जीम आखिर में है। क्या मैंने ठीक बताया? शाबाश आयशा, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो अब जीम की पूरी शक्ल को लिखना सीखते हैं कि ये किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों, मुझे तो जीम बनाना आ गया। अगर आपको अभी तक नहीं आया तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके जीम को लिखने की बार बार प्रैक्टिस करो। वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आयशा और पिग्गी हरूफ तहजी के हरूफ और अल्फाज सीख रहे हैं। चले मिलके साथ साथ सीखते हैं। आयशा, जल्दी से बताओ ये क्या लिखा है? ये तो वही है। वही? वही क्या? ये जीम है, वही पानी का जग। किसी ने इसके अंदर बर्फ के तीन टुकड़े डाल दिए। आयशा, तुमने ठीक पहचाना, ये जीम लग रहा है लेकिन जीम है नहीं, ये चे है। और आपको पता है कि चे के अंदर तीन नुक्ते होते हैं। अच्छा, अब मैं समझी। शाबाश, ये चे की पूरी शक्ल है और आयशा, ये चे की आधी शक्ल है। इसकी आवाज चा है, चा, चा, चा। चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। आयशा, सच कहूँ तो आपको पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। चलो अब इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़ो। जैसे चाबी और जैसे चांद। चलो जल्दी से बताओ इन अल्फाज में चे कहाँ है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? चाबी में चे यहाँ है और चांद में चे यहाँ है। क्या मैंने ठीक बताया? चलो अब चे की आधी शक्ल को लिखना सीखते हैं कि किस तरह लिखा जाता है।
लिखना आ गया। अगर आपको अभी तक लिखना नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से चेक कर लिखने की प्रैक्टिस करो। चलो अब इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़ो। कांच और नाच। अब मैं आसानी से बता सकती हूँ कि इन अल्फाज में चे कहाँ है। ये देखिए, इन अल्फाज में चे यहाँ है। शाबाश आयशा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बहुत अच्छा सीख रही हो। चलो आयशा, अब जल्दी से चे की पूरी शक्ल को लिखना सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने चे की पूरी शक्ल लिखना सीख ली। अगर आपको अभी तक नहीं आई तो वीडियो को जल्दी से पॉज करके इसे लिखने की प्रैक्टिस करो। तुम मेरी प्यारी मछली हो, पानी में तुम रहती हो, मजे मजे से चलती हो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, मजे मजे से तुम कहलाओ। अरे आयशा, किसके साथ बातें हो रही हैं? मैं अपनी मछली को गाना सुना रही हूँ, आप भी सुनेंगे? हाँ आयशा, क्यों नहीं, मुझे भी सुनना है। तुम मेरी प्यारी मछली हो, पानी में तुम रहती हो, मजे मजे से चलती हो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, मजे मजे से तुम कहलाओ। वाह भाई वाह आयशा, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो। अच्छा ये तो बताएं कि आज हम क्या सीख रहे हैं? आयशा, आज हम जिस हर्फ को लिखना और पढ़ना सीखेंगे वो है हे। अरे ये तो जीम और चे का बाई लग रहा है, लेकिन इसके नुक्ते कौन खा गया? अरे आयशा, वो नुक्ते होते हैं, कोई खाने वाला बिस्किट नहीं होता कि कोई खा जाए। ये हे है और इसके ऊपर या नीचे कोई भी नुक्ता नहीं होता है। ये हे की पूरी शक्ल है और ये हे की आधी शक्ल है। इसकी आवाज हा है, हो हो। आयशा फिर से शरारत, चलो शाबाश। चलो इन अल्फाज को देखो और मेरे साथ पढ़ो। जैसे कि हवेली और हजाम। आयशा क्या तुम बता सकती हो कि इन अल्फाज में हे कहाँ है? जी मैं बता सकती हूँ, हवेली में हे यहाँ है और हजाम में हे यहाँ है। क्या मैंने ठीक बताया? शाबाश आयशा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब हे की आधी शक्ल को लिखना सीखते हैं। जीम और चे की आधी शक्ल लिखने के बाद ये लिखना तो बहुत ही आसान था। बच्चों मैंने ठीक कहा? चलो बच्चों वीडियो को पॉज करो और खुद लिखो। चलो आयशा जल्दी से इन अल्फाज को देखो और बताओ कि इन अल्फाज में हे कहाँ है। जैसे सुबह और जिना में हे मुझे यहाँ नजर आ रहा है, क्या मैंने ठीक कहा? जी आयशा तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब हे की आधी शक्ल को लिखना सीखते हैं। तो बहुत ही आसान था, मुझे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। चलो बच्चों अब आप लोग भी वीडियो को पॉज करो और खुद लिखो। टमक टाला बिल्ली का मुंह हो गया काला, मुर्गी बोली गू गू गू, चूजा बोला चू चू चू, मुर्गा बोला कुकड़ कुकड़ू। टमक टाला बिल्ली का मुंह हो गया काला। आयशा ये क्या गा रही हो? मैं गाना गा रही थी, आपने सुना, आपको पसंद आया? हाँ आयशा मैंने सुना और मुझे बहुत पसंद आया, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो।
अरे आयशा, अब क्या करने लग पड़ी हो तुम? मैं उन सारे हरूफ को लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ जो हमने पिछले सीखे हैं। शाबाश शाबाश आयशा, याद रखो आयशा, अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम कभी भी नहीं भूलते और हम अच्छा काम करने लगते हैं। आपने ठीक कहा, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जिस हर्फ को लिखना सीखेंगे वो है खे। ये देखो, ये खे है और ये खे की पूरी शक्ल है, और आयशा ये खे की आधी शक्ल है। इसकी आवाज खा है, खा खा खा। एक बात कहूँ, मेरे अब्बू जब सोते हैं तो वो बहुत खर्राटे मारते हैं। आयशा तुम बहुत शरारती हो। क्या ये भी जीम और चे का भाई है? हाँ आयशा, ये भी हे की तरह जीम और चे का भाई है, और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है जैसे कोई ताज। हाँ आयशा बिल्कुल। चलो आयशा, इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़ो। जैसे फैसे खरगोश और फैसे खत। आप बताओ जरा कि इन अल्फाज में खे कहाँ है? हाँ मैंने ढूंढ लिया, खरगोश में खे यहाँ है और खत में खे यहाँ है। शाबाश आयशा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो खे की आधी शक्ल को लिखना सीखते हैं। ये तो बहुत ही आसान था। चलो वीडियो को पॉज करके खुद लिखने की प्रैक्टिस करो। चलो आयशा, अब इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़ो। शाफ और सुर। चलो आयशा जल्दी से ढूंढो कि इन अल्फाज में खे कहाँ है। जी बिल्कुल, इन अल्फाज में खे यहाँ है। क्या मैंने ठीक बताया? शाबाश आयशा, तुमने बिल्कुल ठीक बताया। चलो खे की पूरी शक्ल को लिखना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जीम चे खे खे ये सब एक दूसरे के बाई बाई हैं। सो मैंने तो खे लिखना सीख लिया है। अगर आपको अभी तक नहीं आया तो जीम चे हे और खे की अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो आयशा, अब मैं चलती हूँ घर जाके जीम चे हे और खे की अच्छे से प्रैक्टिस करना। अल्लाह हाफिज। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम हरूफे तहज्जी के हरूफ दाल को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।